हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो भाई आज हम जैसा तुम देख रहे हो मिक्सर एंड एलिगेशन करेंगे। देखो मिक्सर एंड एलिगेशन होता क्या है कि मिक्सर एंड एलिगेशन एक एक्चुअल में तुम्हारा मेथड है, ठीक है, कैलकुलेट करने का मेथड होता है तुम्हारा। कि कुछ तरीके से आपके पास डाटा होगा और डाटा भी आपको मतलब कि मिक्सर एंड एलिगेशन देखा जाए तो एक तरीके से आपका एवरेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको जैसे कि ग्रुप मिलेंगे, भाई पहला ग्रुप है उसका एवरेज इतना है, दूसरा ग्रुप उसका एवरेज इतना है, दोनों ग्रुप को आपस में मिला दिया, मिक्सअप कर दिया, तो वो जो नया ग्रुप आया उसका एवरेज कितना है। तो इस तरीके का आपको मतलब कि दिया जाएगा डाटा। तो आपसे क्या पूछ रहे हो, पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का रेशियो या एक्चुअल नंबर, कि पहले ग्रुप में कितने नंबर है दूसरे ग्रुप में कितने नंबर है, ठीक है। तो बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो भाई आज हमें ना मिक्सर एंड एलिगेशन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन, देखो मिक्सर एंड एलिगेशन है कि एक्चुअल में एवरेज का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे पास दो ग्रुप होंगे, पहला ग्रुप उसका कुछ एवरेज है, दूसरा ग्रुप उसका कुछ एवरेज, दोनों को मिक्स कर देगा नया ग्रुप बनेगा उसका कुछ एवरेज, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरीके से क्या फंक्शन करते हैं, क्या इसका मेथड है सोल्व करने का, ठीक है। बड़ा ही मतलब कि इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका, और किसी भी एग्जाम के लिए मैंने स्पेशल यहाँ पे लिखा इंस्पेक्टर के लिए, बट आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवेज, बैंकिंग, SSC, SSSC, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सब में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो भाई अगर आप तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दे, यार एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पा लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास स्टूडेंट्स व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस इज 25 kg, ठीक है। आपके पास दो क्लास है, देखो क्या आपके पास क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकेंड है, ठीक है। तो आपको एवरेज वेट बताया गया, पहली क्लास में जो एवरेज वेट कितना है स्टूडेंट का, 15 kg/kg, 15 kg/स्टूडेंट। एवरेज कैसे निकलते, पर में निकलती है भाई, जैसे कि 20-30 स्टूडेंट थे तो हर एक स्टूडेंट का लगभग उसका 15 kg आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज हमेशा पर में निकलती है, पर स्टूडेंट आएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसी जो दूसरी क्लास चल रही उसका एवरेज वेट कितना चल रहा है आपका, 30 kg/स्टूडेंट्स, ठीक है। कि दूसरी क्लास में एक बच्चे का 30 kg चल रहा है और इधर एवरेज देखा जाए तो 15 kg एक बच्चे का चल रहा है, ठीक है। दोनों को उसने मिक्सअप कर दिया, पहली क्लास और दूसरी क्लास, तो जो मिक्सअप होने के बाद उसका एवरेज वेट कितना आ रहा है, 25 kg/स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो एलिगेशन लगता कैसे है, देखो ये तो इन दोनों को मिला के उसने एक मिक्सर बना दिया, ठीक है। इस मिक्सर के ऊपर एलिगेशन कैसे काम करता है वो सुनो मेरी बात। देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखना है, देखो मैंने ये नहीं बोला कि सब्ट्रैक्ट करना है ऐड करना, मैंने बोला गैप देखना है, ठीक है। तो 25 और 15 गैप कितना भाई, 10 है, और 30 और 25 के बीच में गैप देखना है कितना है, 5 है, ठीक है। और इनका क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना है। अब ये रेशियो आएगा किस चीज़ का आएगा वो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो यहाँ पे जो पर में चल रहा है ना, पर में अपॉन में जो चल रहा है उसका रेशियो आता है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हारा, स्टूडेंट किलो पर स्टूडेंट, तो मतलब किस में चल रहा है, पर किस में चल रहा है, स्टूडेंट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो किसका आएगा, स्टूडेंट्स का ही आएगा। तो 5 × 5 = 10, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो यार नीचे चला गया काफ़ी, एक सेकंड ऊपर करता हूँ इसको मैं। बट हो गया था, ठीक है। अब देखो
देखो क्या कर दिया, ध्यान से देखना यार। पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, इसका 15 किलो पर स्टूडेंट, इसका 30 किलो पर स्टूडेंट, दोनों को मिक्सअप किया, 25 किलो पर स्टूडेंट आ रहा है। तो रेशियो किस में आया, जो पर में चलती है चीज़ वही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रेशियो आएगा कितना, 5 और 10 था, तो 5 और 10 का रेशियो कितना था, 1:2 आता, ठीक है। और वही आपसे पूछा था कि पहली क्लास से दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो, स्टूडेंट्स का मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा। ओके कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में बोला द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। एवरेज वेट ऑफ बॉय प्लस गर्ल बता दिया उसने 25 kg। द नंबर ऑफ बॉयज आपके पास 12 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बतानी है, ठीक है। देखो एवरेज वेट है तो वेट मतलब कि पर पर्सन निकलता है, ठीक है। जैसे बॉय का ग्रुप है तो पर बॉय निकलेगा, गर्ल का ग्रुप है तो पर गर्ल निकलेगा, ठीक है। और दोनों का मिक्सअप कर दिया मतलब पर पर्सन निकलेगा। तो जो आपके पास रेशियो आएगा इसका मतलब कि बॉय और गर्ल का आएगा, क्योंकि उसको अगर पर में चल रहा है बॉय, इधर पर में चल रहा है गर्ल, तो आपके पास जो रेशियो आएगा बॉय और गर्ल का आएगा, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन देखो। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा इधर, जैसे कि ये बॉयज थे तुम्हारे, ये आपकी क्या है गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज का एवरेज वेट बताया कितना उसने, 15 kg पर बॉय निकलेगा एवरेज। तो ऐसे ये गर्ल था यार, बॉय का तो उसने कितना बताया, एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना, 30 kg। तो 30 kg क्या आया पर बॉय, भाई एक लड़के का लगभग 30 kg आ रहा, ठीक है। ऐसे पर गर्ल तुम्हारा कितना आ रहा है, पर गर्ल तुम्हारा आ रहा 15 kg पर गर्ल, कि एक लड़की का 15 kg आपका वेट है। दोनों ग्रुप को ऐड कर दिया तो उसके पास कितना आ रहा है, दोनों में मिला के उसके पास 25 kg आ रहा है। पर पर्सन लगा लो, ठीक है, मतलब एक बंदे का 25 kg आ रहा है दोनों ग्रुप को, मैं मिला के चलता हूँ। तो देखो एक चीज मैंने क्या बता रहा तुम्हें, कि जो बीच वाला होगा ना, मतलब कि ऐड करने के बाद जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का जो एवरेज निकल के आता है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कि एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा। तो जैसे ये 25 है, 25 15 से बड़ा है तो इससे 30 से छोटा, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा, मतलब कि बीच का होगा, एक ग्रुप होगा दो ग्रुप होगा, जो एवरेज आएगी वो एवरेज एक ग्रुप से बड़ी होगी दूसरे ग्रुप से छोटी होगी, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। इस चीज़ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो बस मैंने क्या बताया था, गैप देखना आपको, 25 और 30 के बीच में कितना गैप होता है जी, गैप होता है आपका 5 का। 15 और 25 के बीच में कितना गैप होता है, 10 का, ठीक है। अच्छा किसका आएगा, बॉय का और गर्ल का, ये रेशियो आ गया नंबर ऑफ पर्सन। बॉय का मतलब कि भाई बॉय के कितने कितने बॉय हैं, ये रेशियो क्या आएगा बॉय का और गर्ल का। बॉय और गर्ल का मतलब कि कितने लड़के कितनी लड़कियां, मतलब कि संख्या बता रहा हूँ उनकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, उनका रेशियो कितना आएगा, जैसे बॉय के नीचे बॉय को रिप्रेजेंट करेगा, गर्ल के नीचे गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रेशियो देखो इनका मैं, है तो कितना आएगा, 2:1 आ रहा है सर। तो अगर दो लड़के हैं तो एक लड़की है, ऐसी बात है। बट आपको उसने एक बात बताई है कि लड़के कितने आपके 12 है, लड़के कितने आपके, लड़के थे आपके 12, ये चीज आपको गिवन थी, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे भैया। तो एक्चुअल में लड़के अगर 12 है तो लड़के आपकी 6 होगी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और यही पूछ रहा था कितनी लड़के आपकी, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से स्नैप कर लो, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को यार शेयर कर दिया करो। देखो बिल्कुल अभी रात के, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, रात के तुम्हारे लगभग 11:30 बजे हैं, ठीक है। वीडियो तभी शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तो यार दिन में जैसे कि मेरा क्लास का टाइम रहता है, लाइव स्ट्रीम चलता है, मैंने जैसे स्कूल वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो स्कूल का लाइव स्ट्रीमिंग चलता रहता है, फिर मैं खुद से तैयारी कर रहा हूँ अपनी क्रम्स वगैरह की। तो
तो उसमें बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो रात को टाइम मिलता है तो रात को ही शूट कर रहा हूँ। तो आपको भाई ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना और अच्छे से समझना क्वेश्चनों को, ठीक है। प्यार से समझा रहा हूँ आपको, बड़े प्यार से समझना इसको। अगले पे आओ, अगले कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, कितना 1:2, मतलब कि एक लड़की है तो दो लड़के हैं आपके, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg पर बॉय लगा लो, ठीक है, मतलब कि बॉयज का जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट आपका 30 kg पर बॉय। ऐसे एवरेज वेट ऑफ बोथ एंड गर्ल, गर्ल बॉय को और गर्ल को मिला के जो ग्रुप बनता है आपका, उस मिक्स वाले ग्रुप का एवरेज वेट कितना है, 25 kg है, ठीक है, पर पर्सन का। तो आपको बताना है देन द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल, कि गर्ल का एवरेज वेट कितना, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक। देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ये तुम्हारी क्या है, गर्ल है, ये तुम्हारा बॉय है, ठीक है। गर्ल का तो आपको बताना है कि एवरेज वेट है कितना, बॉय का आपको गिवन था कितना, एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना, 30 kg, 30 kg पर बॉय, ठीक है। एवरेज वेट kg पर गर्ल आपको बताना है। अच्छा, दोनों को जब मैं मिक्स कर रहा था तो मिक्स करने के बाद दोनों का, बॉय और गर्ल का एवरेज वेट कितना रहा, 25 kg पर पर्सन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, रेशियो अब की बार उसने दिया है आपको, रेशियो क्या था, रेशियो बॉय एंड गर्ल कितना रेशियो है, गर्ल टू बॉय आपका 1:2 है। कि अगर एक लड़की है तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, दो लड़के हैं, एक लड़की है तो दो लड़के हैं, ठीक है। ये रेशियो है, जेनुइन वैल्यू नहीं है। जेनुइन वैल्यू कैसे पता चलती है, गैप से। तो देखो बॉय का और इसका गैप कितना है, 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्चुअल में 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 नहीं है, कितना है, 5 है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 10, तो सीधी बात है। देखो एक चीज़ मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताई है कि ये भाई साहब एक नंबर से छोटा होगा दूसरे नंबर से बड़ा होगा, 25 है जो, 30 से छोटा है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना उससे बड़ा होगा 25, और कितना बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा, क्योंकि इसका और इसका गैप कितना आ रहा, 10 आ रहा। देखो रेशियो था 1:2 था, ठीक है। तो उसने जो आपको गैप बताया है वो 1 का गैप नहीं बताया, वो 5 का गैप बताया था। तो 5 का गैप कैसे, कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे जो नंबर था 25 से छोटा था, और 25 का उसका गैप कितना है, 10 है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था यहाँ पे, फिर 15 था, यहाँ पे कितना था, 15 था, 25 से छोटा, 15 और 25 का गैप 10 है, ठीक है। तो जो गर्ल है उसका एवरेज वेट कितना आएगा, 15 kg पर गर्ल, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके छाप दो। ठीक है भाई, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये नंबर बीच का नंबर होता है 30 से, और 25 का गैप कितना था, 5 था, रेशो दिखा रहा था 1:2 दिखा रहा था। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं है, 5 है, क्योंकि गैप कितना रहा, 5 आ, कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 10, तो 10 छोटा मतलब 15, बात खत्म थी, ओके। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट में देखो जी, कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट कितना है, 30 kg, एक दूसरी क्लास है 20 स्टूडेंट की, उसका एवरेज वेट कितना है। तो मैं सरूस करते, लाइट चली गई थी, लाइट आई है दुआरी, कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज रुपी वो 30 kg, एक क्लास है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट है उसका एवरेज वेट 30 किलो है, दूसरी क्लास है उसके अंदर आपके 20 स्टूडेंट है उसका वेट कितना चल रहा है, एवरेज 15 kg,
तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस, दोनों क्लास को कंबाइंड करके जो एवरेज वेट आएगा वो पूछा आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहले बता देता हूँ सिंपल सा कि तरीका किस तरीके से इसको सॉल्व करना, फिर इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन क्या है इसका, ये तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपका एवरेज वेट कितना चल रहा है, 30 kg पर स्टूडेंट, और इसके बच्चे कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके पास थे 40 बच्चे, ठीक है। फिर दूसरी क्लास आई सेकंड क्लास, उसके अंदर तुम्हारे 20 स्टूडेंट थे और एवरेज वेट था इसका 15 kg। तो करना क्या है वो देखो, सुनो मेरी बात, आप इसका रेशियो लिखाओ फटाफट, ये कितना आएगा, 2:2, टू इज टू वन आएगा, ठीक है रेशियो। चलो आपको ये मिडल वाली टर्म निकालनी है कि यार एवरेज वेट मेरा दोनों कंबाइंड का कितना आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखना कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप तुम्हारा कितना है, 15 है, तो 15 को आपने 2:1 के अंदर डिवाइड करना है। अब 15 को 2:1 के अंदर कैसे करेंगे, मतलब कि 15 है, 15 को 2:1 के अंदर, मतलब एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो आपको ये बताना कि पहला पार्ट कितना, दूसरा पार्ट कितना है। देखो पहला और दूसरा पार्ट मिले क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, बट पहला और दूसरा पार्ट आपका कितना बनना चाहिए, 15, क्योंकि ये 15 से बने, ठीक है। एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट पार्ट है जो 15 से ही बना है, तो मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का सम भी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, बट फर्स्ट और सेकंड का सम इधर कितना है, 3 है, 3 नहीं कितना होना चाहिए, 15। देखो सुनो मेरी बात, 15 सा 15 सा आपका पहला ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तो दोनों ग्रुप को ऐड करूंगा तो वापस से 15 ही आना चाहिए ना। तो इधर उसने दिखाया कि पहला ग्रुप 2 है तो दूसरा ग्रुप कितना 1 है, तो सम कितना रहा, 3, 3 थोड़ी आना चाहिए, दोनों 15 से बने तो 15 आना चाहिए। 3 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, उधर भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, तो बस 15 को 2:5 में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास इधर कितना आ गया 10, इधर कितना आ गया 5 आ गया, ओके। ये कर दिया मैंने कन्वर्ट, साइड में कर दिया, देख लेना, तो बस अब हो गया। देखो था क्या कि मतलब कि ये नंबर एक से छोटा दूसरे से बड़ा, तो देखो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा था तो ये वाला इससे छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, 5 छोटा होगा, तो सीधी बात है कितना आएगा, 25 आएगा, या फिर ये वाला नंबर इस नंबर से कितना बड़ा होगा, मतलब कि इस नंबर का इस नंबर का गैप कितना आएगा, 10 आएगा, तो इस नंबर के अंदर इसको ऐड करूंगा तो 25 आएगा ना। तो आपका जो एवरेज वेट चल रहा था 25 kg पर स्टूडेंट आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, देख कुछ नहीं करना था, सिंपल सी मेथडोलॉजी यूज करनी है। जो नंबर दे रखे थे एक्चुअल में 40 और 20, उससे मैं रेशियो लेकर आया 2:1, ठीक है। 2:1 को मैंने 15 के अंदर वो कर लिया, डिवाइड कर दिया कि मतलब ये वाला गैप है, इस वाले गैप को 2:1 के अंदर डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना है 10 और 5, तो 10 को मैंने 15 के अंदर ऐड कर दिया, 25 आ गया, या मैंने 30 के अंदर से 5 घटा दिया, 25 आ गया, तो ये मेरा आंसर आना था, ठीक है। समझ में आ रही है, तो मेन मुद्दा क्या था, ये गैप का और ये रेशियो का, कि ये गैप इस रेशियो में टूटता है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ कि यार ये मेरा गैप इस रेशियो में क्यों टूटता है, वो चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कि इस चीज़ को कैसे की मैंने, मतलब कि ऐसे कर तो दिया बट इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया इसके अंदर, ठीक है। देखो एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे वो पहली क्लास थी उसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, ठीक है, ए पे कितना चल रहा 30 kg, जो आखिरी क्लास थी फाइनल क्लास उसको मैंने सी मान लिया, उसका कितना चल रहा है 15। तो मैंने जो बताया कि भाई जो एवरेज आएगा दोनों कंबाइंड करके इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, तो ये बी यहाँ पे इनके बीच में लाई कर रहा है, इससे छोटा है इससे बड़ा है,
तो अगर इसको मान लो कि मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ कि बी पॉइंट इनके, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा सी है, तो ए और सी ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ए और सी के बीच में कहीं पे तुम्हारा बी है, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट बी है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए माइनस बी करके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये तुम्हारा कौन सा मतलब कि गैप ए बी, ए बी गैप ए माइनस बी करके आएगा, ठीक है। इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये सर आपका गैप ए बी, वो कैसे आया ए माइनस बी करके। ये जो गैप है आपका, ये क्या कौन सा गैप है, गैप बी सी, वो कैसे आएगा बी माइनस सी, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अच्छा, ये जो तुम्हारा गैप है यहां से यहां तक का पूरा टोटल गैप, ए से सी तक का गैप, गैप ए सी, वो कैसे आएगा ए माइनस सी, ए माइनस सी के बराबर आएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, इस गैप को और इस गैप को ऐड करो तो मेरे पास ए सी गैप आएगा, पहले गैप को मतलब ए बी गैप को और बी सी गैप को अगर ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, ए सी आएगा। दिमाग लगाओ ढक्कन, हो ए बी प्लस बी सी क्या आएगा, ए सी आएगा ना। तो जो मेरा ए सी गैप आया एक्चुअल में वो किसके बराबर है, बी सी गैप प्लस ए बी गैप, यकीन ना तो करके देख लो, अगर इस गैप को इस गैप को ऐड करोगे तो माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा और क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, तो मैंने आपके सामने अभी प्रूव कर दी कि ये वाला जो गैप है ए से सी तक का गैप, ये गैप प्लस ये गैप है, ठीक है। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि मैंने आपके सामने एक चीज प्रूव करी है, क्या कि ए था सी था ये बी था, ये ए बी गैप बी सी गैप तो ए सी गैप, ठीक है। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही तुम्हारी, मैंने एक बात प्रूव कर दी कि गैप मतलब यहां से यहां तक का गैप इस गैप और प्लस इस गैप के बराबर है, ठीक है। गैप ए सी इज इक्वल टू गैप ए बी प्लस गैप बी सी, ये चीज मैंने प्रूव करी आपके सामने, ये चीज मैंने प्रूव करी आपके सामने, ओके। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना तुम मेरी, मेरे पास क्वेश्चन क्या चल रहा था, मेरे पास क्वेश्चन ये चला था कि क्या चला था, इसको हटाता हूँ, इसको दिमाग में रखना। ए था सी था बी था, ठीक है, मेरे पास ए सी का जो डिफरेंस आया था यहां पे 30 था, यहां पे 15 था, डिफरेंस कितना आया था 15 आया था, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का रेशियो देखो, बी सी का रेशियो किसने दिखाया था, 40 और 20 चल रहा था, 40 और 20 का रेशियो कितना था 2:1 आया था, तो बी सी का गैप जो दिखाता है वो क्या दिखाता है 2, ए बी का गैप कितना दिखाता है 1, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरे पास क्या चल रहा है, देखो मेरे पास क्या चल रहा है, ए सी चल रहा है और ये गैप था तुम्हारा गैप ए बी, ये था गैप 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 बी सी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए सी का एक्चुअल डिफरेंस मतलब कि गैप ए सी वो कितने बराबर है, 15 के बराबर है, और आपको पता है गैप जो ए सी होता है वो कैसे बढ़ता है, मेरा गैप
ए बी प्लस गैप बी सी करके, ठीक है, इन दोनों का सम ही होता है ना। बट मेरे पास गैप ए बी और गैप बी सी का रेशियो था, ए बी गैप कितना था 1 था और बी सी गैप कितना था मेरा 2 था, तो रेशियो था। तो भाई इनको मैं ऐड करूं, मतलब कि ए बी प्लस बी सी ऐड करूं तो मेरे पास इधर से कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बट ए बी प्लस बी सी क्या होना था, ए सी होना था, मतलब 15 होना था। तो 3 13 मतलब कितना होना था, 15 होना था। कितने से गुणा, 5 से, तो ए 5 से गुणा, ई 5 से गुणा, तो ये कितना हो गया तेरा 5 हो गया था, ये कितना हो गया था 10 हो गया था। तो अब समझ में आया कि ये वाला गैप इस रेशियो में क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये वाला गैप इस गैप से और इस गैप से बनता है, ठीक है। दोनों का सम तुम्हारा इस गैप के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब ये कह रहा हूँ आपसे, अभी जो मैंने कंक्लूजन निकाला, माई कंक्लूजन इज दैट कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कितना था, 30 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे पता नहीं कितना था, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना था, 2 था, और यहाँ से यहाँ तक का गैप आपके पास कितना है, 1 है। आपको पता है इस गैप का और इस गैप का समी क्या होता है, इसके बराबर होता है, मतलब कि 15 है, 15 को आप 2:1 के अंदर डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 और 5। समझ आई मेरी बात, अब बात क्लियर हो रही है कि जो ये 15 था आपका, इसको इस रेशियो में डिवाइड करना होता है। क्यों, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट जो गैप होते हैं उनका सम 3 3 नहीं 15 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा गैप था क्या, ए बी सी, तो ये गैप था तुम्हारा बी सी, ये बी सी था, ये क्या था तुम्हारा ए बी था, और ये क्या था तुम्हारा ए सी। तो ए सी क्या होता है, ये था तुम्हारा ए बी प्लस बी सी, ए सी था तेरा ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो ए बी प्लस बी सी आपका 15 आना चाहिए था, 3 नहीं, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने कितने से, 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो मेरा 10 आ गया और ये मेरा 5 आ गया। मतलब कि मेरा बी सी कितना आया, 10 आया, और ए बी कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो ए सी मेरा कितना हो गया, 10 और 5 15। बात क्लियर हो रही है, चलो तो बस दिमाग में रखना है, एक चीज़ रखनी है, क्या बता देता हूँ इन शॉर्ट दोबारा, कि यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा, ये वाला गैप इसका रेशियो क्या होगा, ये रेशियो, ठीक है। तो ये रेशियो इस गैप के अंदर डिवाइड होता है, ओके। बस तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में मिलते फिर भाई।